दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। किस तरह से चीन चालाकी करने से बाज नहीं आ रहा और हमारे देश के जो मुखिया हैं वो ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कभी भी कि किस तरह इस वक्त भी हम कैसे चीन के सामने बैकफुट पर खेल रहे हैं। यूं तो व्यापार में पूरा खेल चल रहा है, लेकिन सुरक्षा में और हिस्सेदारी में कब आपका हिस्सा बट रहा है, कब्जे में आ रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं। बजट पेश हो गया, बजट के दौरान तमाम तरह की चर्चाएं हो गई। 48,20,000 करोड़ के बजट को लेकर टीवी चैनल एक बार फिर से एक खोखली ढपली को थपथपा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए लगातार कैसे निर्मला सीतारमण एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर सातवीं बार एक रिकॉर्ड बना रही हैं बजट पेश करने का। पत्रकार ऐसी तारीफ करते हुए सवाल कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल भूल जा रहे हैं। वो सवाल है कि कैसे चीन ने पेंगोन झील पर ब्रिज बना लिया। 180 किलोमीटर का जो सफर बन सकता था, मुश्किलें पैदा कर सकता था चीन के लिए भारत में दाखिल होने को लेकर, अब वो बीच की दूरी खत्म हो चुकी है। सैटेलाइट के द्वारा ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं। विपक्ष ने भी इस पर कुछ खास नहीं पूछा, कोई हंगामा नहीं किया। क्या तैयारी है विपक्ष की, ये भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि इस बात को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं और देश की तमाम गंभीर बातों को बखूबी समझते हैं और उस पर हमारा ध्यान क्या, देश के राजनेताओं का ध्यान लाने का भी दम रखते हैं। सर, ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पर देश अपनी पॉकेट चेक कर रहा है कि कितना पैसा बच रहा है, नहीं बच रहा है, लेकिन क्या देश बच रहा है, ये बड़ा सवाल है। विनीता, ये आज से तो 3-4 साल पुरानी बात हो गई, जब लोकसभा में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने कहा था कि आप यहाँ हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश में चीन 16 किलोमीटर अंदर घुस के बैठ गया है और वो सड़क बना रहा है, और वो बात दबा दी गई, बात उस सांसद को भी दबा दिया गया। सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए हैं लद्दाख में, और वो कह रहे हैं कि 4,000 वर्ग मील जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है और 50,000 लोगों की भीड़, वहां की जनता लगातार वहां आंदोलनरत है लद्दाख के मामले को लेकर, चीन के कब्जे को मामले को लेकर, क्योंकि वो सारी जगह वो थी जहां वो लोग चरागाह की तरह इस्तेमाल करते थे और वो उनको अपनी जगह दिखती, अपना घर दिखता है। 1962 में हमें धोखा हो गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अंग्रेजों के द्वारा चूसा गया देश था और उसके पास कुछ नहीं था, उनका सोचना यह था कि पहले युद्ध पर पैसा खर्च करने के बजाय पहले विकास पर पैसा खर्च किया जाए, देश को पटरी पर लाया जाए। देश में सुई भी नहीं बनती थी, यहाँ पर सिंचाई के साधन की जरूरत थी, अस्पताल की जरूरत थी, कॉलेज की जरूरत थी, IIT IIM की जरूरत थी, भाखड़ा नंगल बांध की जरूरत थी। तो नेहरू जी ने उस पर दिशा पर काम किया, इसीलिए उन्होंने पंचशील सिद्धांत के द्वारा हाथ बढ़ाया था चीन की तरफ कि आइए हम लोग मिलजुल करके अपने अपने देश के लोगों के लिए काम करें, युद्ध का काम रहने दें, युद्ध से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। और उसमें हम धोखा खा गए। उस धोखे में जवाहरलाल नेहरू जी को इतना गम हुआ कि 62 के धोखे की वजह से उनको अपने उनका जीवन समाप्त हो गया थोड़े दिन बाद। लेकिन उससे सबक लेके भारत कांग्रेस की सरकार ने, उस समय के लोगों ने इतनी मेहनत किया कि तैयारी किया कि ठीक 2-3 साल बाद 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जीत लिया और युद्ध को उसके विजय हासिल की, 71 का युद्ध जीता, एक देश के 2 टुकड़े कर दिए। वही देश जिसमें रूस का सहयोग था और अमेरिका का बहुत ज्यादा विरोध था, चीन भी किसी हद तक हमारे विरोध में पाकिस्तान के साथ खड़ा था, 7वां बेड़ा अमेरिका का आ गया था, लेकिन उससे हार न मानते हुए इंदिरा गांधी जी ने तब तक युद्ध नहीं रोका जब तक बांग्लादेश को अलग नहीं कर दिया और उनके 96,000 सैनिकों से हथियार नहीं रखवा लिया। ये वही देश है कि चीन के जबड़े से सिक्किम को बाहर निकाल करके अपने देश का एक राज्य बना लिया, ऑक्साइड चीन पे कब्जा कर लिया और हजारे कितने छोटे बड़े क्षेत्र भारत देश ने अपने देश में मिला लिए। इस सरकार में जो लोग कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए और पाकिस्तान सीमा पर एक के बदले 10 शेर आएंगे, उन लोगों की सरकार में चीन लगातार कब्जे पर कब्जा करता चला जा रहा है और प्योंगयांग झील के पास तो उसने बकायदा अपना अड्डा बना लिया है, पुल बना लिया, सड़कें बना ली, अड्डा बना लिया, जगह जगह बस्तियां बसा रहा है और वो सैटेलाइट के द्वारा दिखाई पड़ रही है।
लेकिन इससे बड़ा देश के साथ गद्दारी क्या हो सकती है, जब देश का एक बड़ा नेता संसद में खड़ा होकर ये कहा कि न कोई आया है, न कोई घुसा है, न कोई है, और उसी का इस्तेमाल चीन दुनिया के तमाम देशों में और तमाम फोरम पर करता है कि हम कहीं कब्जा नहीं कर रहे। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कहीं नहीं गए, कहीं नहीं आए। दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री और देश के विदेश मंत्री लगातार बयान देते हैं कि चीन से बात तभी हो पाएगी जब सीमा पर पूर्व जो निर्धारित जगह थी वहां सब लोग वापस चले जाएं। वापस जाने के बजाय चीन लगातार कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है, और ये सरकार क्यों इतनी कमजोर साबित हो रही, इतनी हमारी बहादुर फौज है, पूरा हिंदुस्तान देश के सवाल पर एकजुट हो जाता है। इस हिंदुस्तान ने 1962 के युद्ध में इंदिरा गांधी समेत अपने गहने दान दे दिए थे देश की लड़ाई के लिए। जब जब युद्ध काल होता है पूरा देश कुछ भी नौछावर करने को तैयार हो जाता है, तमाम नौजवान लाइन में लग जाते हैं। फिर क्या मजबूरी है भारत के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की? जो लोग चीन में पहले ट्रेनिंग लेने जाया करते थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग और चीन के बड़े लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दफ्तर में दौरा किया, किस लिए किया ये भारत देश जानना चाहता है। इन लोगों के बीच में क्या मिली भगत है कि चीन कब्जे पर कब्जा करता चला जा रहा है और सरकार चुप है, उस पर चुप्पी साधी हुई, उसका नाम नहीं ले रही। लेकिन अफसोस की बात एक और है कि आखिर विपक्षी दल भी इस पर आक्रामक क्यों नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस चर्चा के बाद, आज शायद जैसे आपकी कई चर्चाओं में हुआ कि उस चर्चा के वक्त तक कोई विरोधी दल नहीं बोल रहा था, वो चाहे गांधी की मूर्ति का सवाल हो या अन्य कई सारे सवाल हैं, लेकिन उसके बाद विरोधी दल के नेताओं ने उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की बनाया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी इस चर्चा के बाद, शायद कल के बाद कोई सदन ऐसा दिन हो जब सदन चलने ना पाए, सिर्फ इसलिए कि पहले चीन पर व्हाइट पेपर आना चाहिए और देश चाहता है कि चीन पर एक व्हाइट पेपर आए कि चीन की वस्तु स्थिति क्या है, देश के कितने हजारों वर्ग में जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, भारत की सरकार जो लोग चला रहे हैं और साथ में उनके मालिक आरएसएस, इन लोगों की रणनीति क्या है। आरएसएस का कहना यह था कि फौज बड़ी देर में तैयार होती है, हमारी सेना तो 3 घंटे में तैयार हो जाती है। तो वो जो आरएसएस की सेना 3 घंटे में तैयार होने वाली है, उसका क्या इरादा है चीन के कब्जे की हुई जमीन के बारे में, ये पूरा भारत देश जानना चाहता है और प्रधानमंत्री से भी सुनना चाहता है कि चीन के बारे में उनकी क्या रणनीति है और चीन के बारे में क्या तथ्य है, इसका वो व्हाइट पेपर पेश करें। लेकिन विपक्षी दलों से भी उम्मीद करता है कि विपक्षी दल जबड़े में हाथ डाल करके इसको गलवाएं, क्योंकि भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत माता की अस्मिता का सवाल है, भारत के आत्मगौरव का सवाल है, और इस तरह अगर चीन कब्जे पर कब्जा करता चला जा रहा है, ये पूरे भारत के अस्तित्व और सार्वभौमिकता का सवाल है। सार्वभौमिकता पर कोई भी हमला भारत देश और भारत का नागरिक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सैटेलाइट भी तस्वीर कैद हुई और कुछ दिन से रिपोर्ट डोमेन में है, सब लोग इस खबर को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि चीन ने क्या किया है, किस तरह से 180 किलोमीटर का जो सफर था, जो इस झील की वजह से घूम के आना पड़ता था, और ये घूम के आने वाली ही चीज उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही थी। अब चीन के लिए मुश्किल नहीं है, इससे वो भर के पूरा सामान ला सकते हैं, भारी हथियार ला सकते हैं इस ब्रिज द्वारा, और इस सरकार को ब्रिज बनाने का पता नहीं चला। सैटेलाइट से तस्वीर निकल के आ रही है, ये छुपा रही है, इसकी मंशा क्या है, ये तो हो नहीं सकता कि उनको पता ना हो, इसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा इसी सदन में। विनीता, मेरा आरोप जरा बड़ा है, मैं ये मानता हूं कि आरएसओ से बीजेपी को नहीं पता है, ये मानना बिल्कुल उचित नहीं होगा। ये ठीक है कि कारगिल में जब एक चरवाहे ने बताया कि फौज अंदर आ गई है पाकिस्तान की, तब इनको पता लगा, वरना ये सोते रहे। जब तक हमारे जवानों की कुर्बानी नहीं हो गई, जवान शहीद नहीं हो गए, तब तक संसद में इनको नहीं पता लगा कि संसद के अंदर तक आतंकवादी आ गए, ये ऐसे ही लोग हैं। लेकिन चीन कब्जे पर करता चला जा रहा है और आरएसएस और भाजपा को पता ना हो, ये मानने वाली बात नहीं है। आर्मी इंटेलिजेंस, आईबी, सीबीआई, रॉ इत्यादि तमाम संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, निश्चित तौर पर सरकार को सारी रिपोर्ट देती होंगी। इसके अलावा जब बीजेपी के सांसद ने ही बता दिया कि 16 मील अंदर घुस गया चीन अरुणाचल प्रदेश में, और सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि 4,000 वर्ग मील जमीन कब्जा कर लिया है लद्दाख में चीन ने, तो ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये सरकार को मालूम है। लेकिन मेरा आरोप ये है कि आखिर क्या सौदा हुआ है आरएसएस और बीजेपी का चीन के साथ। देश की जनता अब ये जानना चाहती है कि आपने भारत को बेचने का क्या सौदा चीन के साथ किया है, आपकी क्या मजबूरी है कि भारत के टुकड़े को आप बेचते चले जा रहे हैं, भारत के टुकड़े को आप कब्जा कराते चले जा रहे हैं। वो भारत माँ का एक अंग है, अगर आप भारत को भारत माता कहते हैं तो कैसे लाल हो आप कि अपने माता के किसी सर के टुकड़े को या हाथ के टुकड़े को आप काट करके दूसरे देश को दे दे रहे हैं,
इसका जवाब तो भारत देश की जनता के सामने आपको देना ही पड़ेगा। जी विनीता सर, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं, ये और कितनी ज्यादा भयावह रूप में जा सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन लगातार हावी हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से अलग ही स्तर पर चल रही है। कितनी जगह पर युद्ध चल रहे हैं, पावर डोमिनेशन का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसमें ये खबर आना कि किस तरह से सैटेलाइट ने तस्वीरें कैद कर ली हैं कि चीन ने ब्रिज बना लिया है, ये ब्रिज कैद हुआ है सैटेलाइट की तस्वीरों में, और भारत को इस बात की जो खबर है वो जनता के साथ साझा करनी चाहिए, खुलकर बताना चाहिए। हम पहले ही कई तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, कितनी भयावह स्थिति बन सकती है सर ये। विनीता पहले के हालात अलग थे। पहले नेपाल, म्यांमार, लंका जैसे देश, मालदीव जैसे देश, अगल बगल के जो देश थे वो भारत को बड़ा भाई मानते थे, भूटान जैसा देश, लेकिन वो सारे देश आंख दिखाने लगे हैं। वो सारे देश, नेपाल अपनी जमीन कहीं मांगने लगा कि हमारी जमीन हमको वापस करिए, भूटान चीन की तरफ जाने लगा है, बांग्लादेश कहीं ना कहीं चुनौती देने लगा है, नेपाल ये कहने लगा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ, मालदीव कहने लगा है कि अपनी फौज को वापस ले जाइए, श्रीलंका चीन के लिए एक्सेस देने लगा है। हालात बदल गए हैं। पहले ये सारी सीमाएं हमारी सुरक्षित थी, केवल पाकिस्तान और चीन की सीमा से हमको खतरा हुआ करता था। अब हालत यह है कि ये सब जो ब्रिज अगर चार्ज बन रहे हैं, जमीने कब्जा हो रही हैं, तो चीन और पाकिस्तान का डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, और ये दोनों ताकतें एक होती जा रही, जो अपना इनका जो एक रोड बना रहे हैं लोग, वो एक होते जा रहे हैं। अगर ये दोनों ताकतें एक हो गई और उन सब जगहों जो ऊंची चोटियां हैं जहां से हम सुरक्षित रहा करते थे, और जो तमाम फिंगर्स हैं जहां तक हम पेट्रोलिंग करते थे जिसके कारण हमको सुरक्षा मिलती थी, उन सारे इलाकों पर अगर चीन कब्जा कर लेगा और वहां तक उनके हथियार, उनके टैंक तोप आने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर भारत की संप्रभुता को, भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, और यह देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है। वैसे मेरा आरोप है कि मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चीन के साथ कोई इस मामले में कोई मोल भाव नहीं है या कोई बातचीत नहीं है, ये मानने लायक बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात नहीं होती तो ये निश्चित तौर पर देश को एक अपने विश्वास में लेते, सारे दलों को विश्वास में लेते, और देश को विश्वास में लेके कहते कि हमारे ऊपर खतरा आ गया है, पूरे देश को एकजुट होकर मुकाबला करना है, और पूरा देश एकजुट होकर के चीन को पीछे धकेलने का काम करता, जैसा राजीव गांधी के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में कई बार कर चुका है। जब चीन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए उसको अगले 48 घंटे में पीछे लौटना पड़ा, ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो लोगों को मालूम है। वो चीजें हो सकती थी, लेकिन चुप्पी साधे हुए चीन को घुसते हुए देखते चले जाना, उस पर कोई प्रतिकार नहीं करना, सिर्फ लिखा पढ़ा करना, चिट्ठी भेजना और सिर्फ बयान देना, ये निश्चित तौर पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई कोई मिली भगत है इनकी, क्या सौदा हुआ है देश के टुकड़े को बेचने का, ये देश की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल सर, ये बहुत अहम सवाल है कि आखिरकार क्या चल रहा है चीन के साथ में, किस तरह से इस वक्त हमारे रिश्ते हैं, और चीन का लगातार बढ़ता कब्जा कैसे रुक सकता है जिसे सरकार मानने तक को तैयार नहीं होती है। बीच में टोक रहा हूं, मेरे सामने बजट के कुछ वो पॉइंट रखे हुए हैं। रक्षा का बजट बढ़ाने का सवाल है, जब चुनौती ज्यादा है, रक्षा का बजट भी घटा करके 9.60 से 9.43% कर दिया गया है। जो बढ़ने वाली बजट तो कई चीजों का बढ़ना चाहिए था, स्वास्थ्य का बढ़ना चाहिए था, शिक्षा का बढ़ना चाहिए था, कृषि का बढ़ना चाहिए था, सोशल वेलफेयर का बढ़ना चाहिए था, रक्षा का बढ़ना चाहिए था, लेकिन तमाम बजट घटा दिए गए, उसमें रक्षा का बजट भी है। इसका मतलब ये सरकार रक्षा के सवाल पर बहुत गंभीर नहीं है, या इस सरकार की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है चीन के साथ। इसका खुलासा निश्चित तौर पर आने वाले समय में कभी न कभी होगा, पर मेरी मांग है इस सरकार को इस पर एक व्हाइट पेपर देश की जनता के सामने रखना चाहिए। सर, बड़ा सवाल ये है कि जो डिमांड और जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वही सबसे मुश्किल है, वही पारदर्शिता में बड़ी कमी है। देखना यही होगा कि सरकार कब सच बोलती है इस मुद्दे पर, क्योंकि जो चीजें लगातार सामने आ रही हैं उसे स्वीकार तक नहीं करती, उस पर सामने ट्रांसपेरेंट बात तक नहीं करती है। विनीता, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है, अखिलेश यादव को भी मैं देख रहा हूं और तमाम नेताओं को देख रहा हूं विरोधी दल के, पहले बीजू पटनायक का जो दल है वो सरकार के साथ हुआ करता था, उनके राज्यसभा में सांसदों को मैं देख रहा हूं, बड़े मुखर होकर के तमाम मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं, वो लोग बड़े मुखर होकर के अटैक कर रहे हैं।
मैं ऐसा मानता हूं कि आज की ये चर्चा जैसे बाकी आपकी चर्चा थी महात्मा गांधी वाले सवाल पर और तमाम सवालों पर, और उसके दो तीन दिन बाद विरोधी दलों ने उसको टेकअप कर लिया। मैं ये मानता हूं कि इस चर्चा के बाद भी निश्चित तौर पर कल के बाद ये सारे दल इस मुद्दों को टेकअप करेंगे और निश्चित तौर पर चाहे संसद एक दिन बिल्कुल ठप हो जाए न चलने पाए, लेकिन चीन के सवाल पर एक जोरदार हंगामा, और हंगामा नहीं कहता हूं बल्कि बहस की मांग विपक्षी दलों की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, इन सारे लोगों की तरफ से होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और होगी अभी ऐसा भी मैं मानता हूं, क्योंकि विपक्ष नहीं सो रहा, सत्ता सो रही है, या सत्ता नाटक सोने का नाटक कर रही है, पर विपक्ष तो कम से कम नहीं सो रहा है और न देश की जनता सो रही है। बिल्कुल सर, उम्मीद यही है कि कम से कम सरकार ना सही लेकिन विपक्ष इस बात का खुलासा कर दे कि आखिरकार देश की सरहदें कितनी सुरक्षित बची है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।